अस्सलाम वालेकुम सास बहू जाना, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खैरियत से रखे, अपने अमाल में रखे, खुशियाँ भरी ज़िंदगी दे, आपके बच्चों को भी तंदरुस्ती सेहत दे, माँ बाप के फरमा बरदार बनाए, और जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको भी अल्लाह से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आते हैं रेसिपी की तरफ। आज की मेरी रेसिपी है चिकन मटर आलू। ये देखें, ये मैंने आलू काटे, ये प्याज भी है, ये चिकन है, फ्रीज था अभी मैंने साफ़ करना है, और ये मटर है, ये लहसुन अदरक है, ये साथ साथ मैं डालती जाऊंगी फिर आपको बताऊंगी। ये टमाटर है, उसका पेस्ट बना रही थी, ये देखें इसका, हरी मिर्चें इसी के अंदर ही मैंने पीस ली हैं, और ये टमाटर भी मैंने पीस लिया इसी के अंदर, और मैंने हांडी ऊपर रखी हुई है, आज मैं हांडी में बनाऊंगी, तो हांडी गर्म होती है, तो साथ ही फिर सारी चीज़ें जब डालूंगी बता दूंगी आपको, साथ साथ बताती जाऊंगी। रहीम जो देखे, मैंने हांडी ऊपर रखी है, इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, आज मैं भी हांडी में बनाऊंगी। देखिए जी, कुकिंग ऑयल डाल दिया, प्याज, गैस का भी मसला है, जल्दी सेक ही नहीं लगता हांडी को भी। अभी थोड़ा पकेगा तो फिर रही जो देखें जी, प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया इस तरह का हल्का सा, तो साथ में डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। रहमान रहीम, ये देखें जी, साबुत मसाले डाल रही हूँ, ये दालचीनी है, बड़ी इलायची है, तीन चार लौंग हैं, ये बाद एक फूल है, ये साबुत मसाला भी डाल रही, साथ का जो पेस्ट है वो डाल रही हूँ जो बनाया था, हरी मिर्चें भी साथ ही पीस ली थी, नमक एक चम्मच, लाल मिर्ची पीसी हुई एक चम्मच भर के जाने, हल्दी आप चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ, मसाला बन गया, नमक मिर्च जो डाली है, मसाले डाले हैं, उनको थोड़ा भून के तकरीबन 5 मिनट तक तो मसाला भुनेगा अच्छी तरह। ये प्याज देखे, वो अभी थोड़ा थोड़ा पानी है इसके अंदर, खुश्क होगा तो फिर इसको अच्छी तरह 5 मिनट भूनूंगी मसाले को, मसाला अच्छी तरह मैंने भून लिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले चिकन, चिकन को भूनूंगी, फिर मैं आलू भी डाल दूंगी और मटर भी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो देखें कि मैंने आलू भी डाल दिए, मटर भी डाल दिए, चिकन मैंने पहले डाल दिया था, ये देखिए आलू मटर डालती हैं, अब ये मैं थोड़ा सा इसको भूनना, भून के फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह ये चिकन मटर आलू सब कुछ गल जाए, तो जब फिर मैं तैयार हो जाएगा फिर आपसे मिलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखेंगे मैंने भून लिया अच्छी तरह, मटर भी, आलू भी, चिकन भी, सारी चीज़ें साथ साथ भून गई है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये जो कमी पेशी है इनमें वो भी अच्छी तरह ये गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस जो पक जाएगा तो ना, मैंने ज़्यादा शोरबा ही बनाना बस,
इस तरह का ही रखूंगी। देखेंगे सब धनिया मैंने डाल दी है और ये गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे। तकरीबन पक गया ये। तैयार हो गया, अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। माने रही ये देखें जी, आलू मटर चिकन तैयार हो गया माशाल्लाह से, बहुत मज़े का बनता है ये, बहुत मज़े का बनता है। आप भी इसी तरह बनाएं, खाएं, मज़े करें, बना के खा के कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ये जो न्यू मेरे चैनल पे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो सब्सक्राइबर हैं लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखा करो। फिर मिलेंगे ऐसी किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।